Acums Drugs and Pharmaceuticals Limited, जैसे कि नाम बताता है, कंपनी दवाई मैन्युफैक्चर यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। इंडिया और ओवरसीज के लिए उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनते हैं, इस्तेमाल होते हैं। इस IPO में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 30 जुलाई 2024 से लेकर 1 अगस्त 2024 तक। लगभग 1850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का IPO है, विच मीन्स हैवी लोडेड IPO है। इस IPO के अंदर लगभग 1 करोड़ शेयर्स का होगा फ्रेश इशू और 1,70,00,000 शेयर्स का होगा ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया है 646 रुपीज से लेकर 679 रुपीज तक का प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया है। एक लॉट के अंदर 22 शेयर्स हैं, विच मीन्स अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और एक लॉट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एक लॉट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू होने वाली है 14,000 समथिंग। वहीं अगर आप एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। HNI और NII के लिए एलिजिबिलिटी अलग होती है, इसलिए उनका अमाउंट डेफिनेटली इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। बता दें कि IPO में इशू होने वाले सभी शेयर्स की फेस वैल्यू होने वाली है 2 रुपीज पर शेयर। कंपनी ने IPO में 75% शेयर्स रिजर्व रखे हैं QIB के लिए, 10% शेयर्स रिजर्व रखे हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए और लगभग 15% शेयर्स रिजर्व रखे हैं NII के लिए। इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड। वहीं इसके रजिस्ट्रार हैं लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंडिया और विदेश में सप्लाई करती है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़ रुपए के करीब और इसका फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 184 से 185 रुपए के करीब, विच इज़ अगेन वेरी गुड, वेरी हाई। और उम्मीद है कि ये IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा 6 अगस्त 2024 को। तो अगर आप इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस कंपनी के IPO के साथ साथ अपने पैसे को भी ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। याद रहे कि हम इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इस IPO की जानकारी दे रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई सलाह नहीं दे रहे। आने वाले तमाम IPO